कमेंट्री कीजिए। जैसा आप लोग देख रहे हैं मंदिर की तरफ जा रही है हमारी कारवा, है ना। और ये चला हमारा कारवा मंदिर की। ये है हमारे कप्तान रघु साहब, फोकस कीजिए पीर पंजाल। ये हमारे कोच, फोकस कीजिए पीर पंजाल रेंज। नेगी साहब रेंज दिखा रही है। ये देखिए हिमालय की रेंज पीर पंजाल, इसे कहते हैं पीर पंजाल रेंज, जो कनेक्ट करती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड पूरा जाती है आगे। बट प्रेजेंटली यहाँ पर अभी जम्मू कश्मीर और हिमाचल का बीच का रेंज है ये, जैसा आप देख रहे हैं। आपके लिए हम सीधा प्रसारण कर रहे हैं, व्यू का मजा लीजिए। और वो जो ऊपर से हाथ दिखा रहे हैं वो हमारे आनंद साहब है। वो हमारे आनंद साहब है, जरा जल्दी में है लेकिन कोई नहीं में है, एक एंजॉय कर रहे हैं, एक एंजॉय कर रहे हैं। वो अपना सब कर रहे हैं अपना। आप जाइएगा, हम आपको लेके चलते हैं, पूरा ट्रैक दिखाते हैं। ऐसा बना हुआ है ट्रैक, हम पूरा नीचे से आ गए हैं ऊपर। अभी सामने देखिए आप, भारतीय सेना के लोग यहाँ पे रहते हैं। देखिए आप कितने कितना कष्ट करके वो लोग हमें बचाते हैं। ये देखिए आप, जंगली खच्चर आ रहे हैं। आपको अगर चलना नहीं है तो खच्चर में भी जा सकते हैं। वो जो ऊपर देख रहे हो मंदिर का शेड है, बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर है, बहुत लोग मानते हैं। आपको ले चलेंगे हम लोग सीधा प्रसारण के साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं पगडंडियों से। अगर आप सिगरेट पीते हो तो हर एक साल में आपको यहाँ पे आना चाहिए, ताकि आपका लंग्स क्लियर हो जाए, मजबूत भी हो जाए और आप मजबूत भी हो जाए। हम अपने दर्शकों को ये बोलना चाहते हैं कि वो हर एक साल, हर साल में कम से कम दो बार टाइम निकालें, निकाल के आए ट्रैक करें। कहीं पे भी ट्रैकिंग करने से साथ वो फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, फिल्टर हो जाती है, जितने भी गंदगी हो निकल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं घने जंगल है लेफ्ट में हमारे, लेदारों से भरा हुआ, बहुत महंगे हैं लेदार। और ये वहीं पाए जाते हैं जहाँ से हाइट होती है अच्छी। ये है हमारे ड्राइवर साहब जो कि हमें हमारे सारथी हैं, दिल्ली से यहाँ तक लेके आए हैं। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं मंदिर तक। ये घंटी आप सुन रहे हैं, ये खच्चरों का है। हमारे और एक साथी आगे चले गए हैं, उनसे हम मिलेंगे ऊपर जाके। ये देखिए बहुत ही सुंदर व्यू, कुंवर साहब व्यू का मजा लेते हुए और मन ही मन मुस्कुराते हुए, नेगी साहब फोटो खींचते हुए। और शाह हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि आज नेगी साहब का जन्मदिन है। सब लोग आप विश कर दीजिए निकी साहब को, हैप्पी बर्थडे निकी साहब। वो बैठे हुए हैं हमारे चीते, रूपनगर से आए हुए, उनको लग रहा है कि हम फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो जो है उधर वो बोल रहे फोटो खींचते हैं, उनको पता नहीं है कि हम वीडियो कर रहे हैं उनका, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं हम कहां से आए हैं, पूरा दिख रहा है ये वैली। हवा का आवाज आप सुन सकते हैं। अगर आपको मन की शांति चाहिए तो आप जरूर आइए यहाँ पे। देखिए कुंवर साहब भी चले गए हैं हमारे वहां पे।
चलिए चलते हैं, कारवा को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ साहब खड़े हुए हैं, चलिए उनके 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 पास जाते हैं और उनका वक्तव्य जानते हैं। नमस्ते आन साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताइए आप कैसा लग रहा है आपको? आपको बहुत ही बेहतरीन एहसास हो रहा है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ शब्दों में। आपको ऐसा हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपका फेफड़े फिल्टर हो गए हैं? हाँ बिल्कुल फिल्टर हो रहे हैं हमारे दर्शकों को। इंशाल्लाह हम लोग नीचे उतरते तक पूरी तरह से फिल्टर हो जाएंगे। हमारे दर्शकों को मैसेज दे दीजिए, हम ये बोल रहे थे आई लव यू गाइस, डोंट वरी। नहीं, अपने हेल्थ के लिए हर साल को एक बार आना चाहिए, दो बार आना चाहिए। हाँ आइए, जरूर आइए। ये हमारे साथ में लेकर आइए, ये हमारे ऑक्सर साहब। ये देखिए कुंवर साहब, चले चलिए चलिए आप लोग आगे निकलते हुए। As you can see, we are marching atop the hill. It's a steep climb, but it's a purifying one as well. We're enjoying some nice views from here. That's the entire Pir Panjal range. आन साहब बोल रहे गाड़ी बढ़ाने के लिए और हम उनकी आदेश को टाल नहीं सकते, हम जूनियर हैं कैमरामैन। जैसे कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मेरी सांस फूल रही है, अनफिट है ना, इसलिए ऊपर से हमें ट्रैक्टर भी बोला गया है कल। बोझ बोझ है, बोझ है। देखिए शब्दों को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही गलत है, मीडिया का। मैंने बोझ बोला, मैंने बोझ बोला, सीधा सा रामदेव फंस जाता है। जैसा कि आप जानते हैं पॉलिटिशियंस हमेशा ऐसे ही करते हैं, यू टर्न मारते हैं अपने कमेंट्स का। One, two, one, two, one.